नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। आ गया है आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों आया है, किस लिए आया है, प्रतीक कैसी कौन सी खबर बताने के लिए आया है, ये बेचैनी हो रही होगी, मन में एक्साइटमेंट हो रही होगी। तो सुनिए ये बात, खतरों के खिलाड़ी के सेट पर से आई है एक ऐसी अपडेट जिसे सुनकर आप लोग भी हिल जाएंगे और बोलेंगे यार ये क्या हो गया प्रतीक के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ भेजा था उसे, कितने जज्बातों के साथ भेजा था प्रतीक को कि खतरों के खिलाड़ी में जाएगा, कॉन्कर करेगा, बट ये क्या। दोस्तों आइए आपका बीपी ज्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी सिंपल सी बात बताता हूँ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और धड़ फॉलो करो। प्रतीक सहजपाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल वन ऑफ द टफेस्ट कंटेस्टेंट्स में से एक है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन यहां पर हमारे जो काला भैया हैं, राइट, जो कोरियोग्राफर हैं, वो तो अलग ही लेवल के फिटनेस फ्रीक हैं, वो तो अलग ही लेवल के स्टंट कर रहे हैं, वो तो वहां पर भी डांसिंग के वहां पर भी जो है वो स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो भैया उनसे लड़ना तो बाप रे बाप। खैर वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो यहां पर ये बात प्रतीक सहजपाल की और उसके फियर फंदे की है। जी हाँ, फाइनली प्रतीक सहजपाल इस हफ्ते आ गया है डेंजर जोन में। जी हाँ, डेंजर जोन में आ चुका है प्रतीक सहजपाल। और सेट पे मौजूद जो मेरे गुप्तचर है उनकी तरफ से एक बात पता चली है कि प्रतीक को मिल गया है फियर फंदा, जो कि उसने यहाँ पर अपनी बलिष्ठ भुजाओं में बांध रखा है। प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रतीक के साथ साथ बहुत से लोग जो हैं डेंजर जोन में आए हैं इस हफ्ते के लिए, विच मीन्स अगर देखा जाए तो ये थर्ड हफ्ता है, राइट, थर्ड या फोर्थ हफ्ता है। खतरों के खिलाड़ी अगस्त में दोस्तों प्रसारित होगा और ये अगस्त से लेकर आई गेस सितंबर तक चलेगा। सितंबर एंड में फिर बिग बॉस शुरू हो जाएगा, तो अभी तो भैया बाढ़ आने वाली है कंटेंट की। तो ऐसे में आपको क्या है कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जाओ और फटफट बताओ कि आपको क्या है कहना, और बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो टेली खजाना। इजाजत दो।